हेलो दोस्तों, तो मैं बना रही हूँ चने का साग। मैंने यहाँ पे पानी गर्म होने रख दिया है भगोने में, आप देख सकते हैं। और ये दो टमाटर हैं, हरी मिर्ची है चार। तो मैंने ये चने का साग धो के रख दिया है था आधे घंटे पहले ही। तो मैंने उसको थोड़ा ठंडे पानी से धोया था, थोड़ा सा उसमें गर्म पानी, क्योंकि पानी बहुत ठंडा हो रहा था, इसलिए तो मैंने ये धो के रख दिया है। इसका पानी पूरा निकल गया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ़ हो गया ये। तो मैं अब इस गर्म पानी में ये साग को डालूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा रोकना पड़ेगा, वेट करिए आप लोग। आप लोग देखिए, मैंने चने का साग गर्म पानी में डाल दिया। और पानी ज़्यादा नहीं लेना आपको, दो कटोरी पानी रखना है, क्योंकि साग में भी पानी निकलता है। और ये दो टमाटर डाल दिए। हरी मिर्ची मैं थोड़ी देर में डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा बॉईल हो जाएंगे तो हरी मिर्ची हमेशा कड़वी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं डालूंगी अभी। तो मैं अब इसको ढक के रख रही हूँ इसलिए। तो इसको मैं 10 मिनट बाद देखूँ ये, आप इसको ये मैं सोचना गंदगी लगी है, इसमें आटा लगाया बस मैंने, क्योंकि ढक के रख दिया था आटा इसलिए। तो इसको मैं 10 मिनट बाद देखूँगी, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं 10 मिनट के लिए इसको बॉईल होने देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे बनता है चने का साग। तो दोस्तों, ये साग देखो बॉईल हो गया है, अब इसको 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गया, आई थिंक 15 मिनट हो गया। और ये टमाटर देखो बॉयल हो कैसा हो गया है। और ये देखो, मैं इसको भी मिक्सी में पीसूंगी, इसको भी थोड़ा थोड़ा मिक्सी से करूंगी, या फिर सिलबट्टे से, आप किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा इसको पीसना पड़ेगा, फिर उसके बाद का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। अब मैं डालूंगी ये चार हरी मिर्ची, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी कट करके, फिर देखती हूँ आपसे, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, बताती हूँ इसकी रेसिपी। मैंने इसको मिक्सी से पीस लिया है, देख सकते हो आप लोग, ज़्यादा वैसे नहीं पीसा है, थोड़ा मोटा मोटा रखा है। और ये मैं एक मुट्ठी उड़द की दाल डाली हूँ, सॉरी अरहर की बोला, उड़द की दाल डाली हूँ बस। इसको अब मैं बॉयल होने रख दूँगी, अब इसको फिर से मैं रखूँगी 7-8 मिनट के लिए, फिर आप आगे का प्रोसेस देखिए। मैं दाल धो के इसमें डाल दूँगी, फिर उसके बाद 8-10 मिनट के लिए रखूँगी। ओके, मिलती हूँ बाद में। तो फैमिली, मैं चने का साग बन चुका है, अब मैं इसमें छौंका लगाने जा रही हूँ। तो ये है फ्राई पैन, इसमें तेल लगा डालती हूँ। और ये लहसुन लाल मिर्ची को कट करके रखा है, और हींग, और ये है साबुत लाल मिर्ची। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालूंगी इसमें, इसी से छौंकना है, क्योंकि मैंने पहले से हरी मिर्ची, लहसुन पीस के, अदरक पीस के, टमाटर सब डाल दिया है इसमें। अब मैं इतना ही डालूंगी, फिर देखो अभी। तो मैंने ये छौंका लगा दिया है, अब मैं इसको गर्म होने रख दूंगी। इसमें मैंने हींग और लहसुन और लाल मिर्ची डाली थी बस, और कुछ नहीं। और ये 2-3 लाल मिर्ची मैंने भून के रख ली है, क्योंकि ये साग के साथ में, और मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी, बहुत अच्छा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैंने ये गैस चला दी है, अब इसको गर्म होने के बाद अगर खाएंगे ना तो बहुत टेस्ट लगता है। और चने के साग की एक खासियत है, अगर रात को बना के रख दो और सुबह मॉर्निंग में खाओ या दोपहर में खाओ ना, ठंडा ठंडा, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं थोड़ा सा इधर भी डाल देती हूँ इसमें। मैंने इसमें ना नमक उमक सब पहले ही डाल दिया था, टेस्ट तो पहले ही आ गया, बस छौंका लगाना था, और इसलिए मैंने ज़्यादा छौंके को कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली। और इसमें जीरा जीरा तो नहीं पड़ता है, ऐसे ही बनाते हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो ये गर्म होगा ना तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताना। ये इसमें कर लिया है, तो मैं रोटी बनाऊंगी साथ साथ तो खाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलो फ्रेंड, कैसी रेसिपी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। ओके फैमिली।